नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है एक ऐसे टूल पर जिसकी हेल्प से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके पास अलग अलग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होती हैं। जो मैं सजेस्ट करता हूँ सबसे बेस्ट वो है OBS स्टूडियो। तो OBS स्टूडियो हम कैसे यूज करेंगे, क्या हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ेंगे, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम OBS स्टूडियो कैसे डाउनलोड करते हैं वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है और आपको यहाँ सर्च करना है OBS स्टूडियो। जैसे ही आप ये यहाँ पे करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, वेबसाइट ओपन होगी। आप यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉलर पे क्लिक करके आप इसका सेटअप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे इसका आप सेटअप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास में सेटअप आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉलेशन स्टेप्स बहुत ही सिंपल है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट और फाइनली आप OBS स्टूडियो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब देखेंगे किस यहाँ पे OBS स्टूडियो की हेल्प से अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप OBS स्टूडियो ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीजें ऐड की हुई हैं तो इसलिए आपको यहाँ पे व्यू हो रही हैं, बट आपको यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन शो होगी। तो ब्लैंक स्क्रीन में आपके पास यहाँ पे एक सीन ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक करना है। जैसे आप डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपना डिस्प्ले का नेम देना है, जो कि कुछ भी हो सकता है एज पर योर चॉइस। आप चाहे तो इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस बताएंगे। जो कॉन्फ़िगरेशंस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहे हैं आप उनको ही रहने दीजिए और ओके क्लिक करके आप एक अपना डिस्प्ले ऐड कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि तो मैंने ऑलरेडी एक डिस्प्ले ऐड किया हुआ है, ये वाला। ओके, आप यहाँ पे इसको रिसाइज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे जैसे हमने डिस्प्ले ऐड किया है, सेम तरीके से हम यहाँ पे एक वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड करेंगे। बेसिकली हमारा जो वेब कैम है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। वेब कैम ऐड करने के लिए आप यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस पे क्लिक करेंगे। वीडियो कैप्चर डिवाइस पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे सेम उसी की तरह नेमिंग वगैरह रहेगी और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम रहेगा, अगर आपको चेंज करना चाहे तो आप नीचे सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं और देन आप ओके क्लिक कर देंगे। तो हमने ऑलरेडी कैमरा भी ऐड किया हुआ है, तो अभी फिलहाल में जो मैंने सेकंड कैमरा ऐड किया है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ और हमारे पहले वाले से ऑलरेडी ऐड हो गया है। जब ये कैमरा ऐड होगा तो आपका पूरे स्क्रीन पे इस तरीके से ऐड होगा। आप इसको रिसाइज कर सकते हैं एज पर योर चॉइस, जहां भी आपको उसकी पोजीशन रखनी है पूरी स्क्रीन पे उस हिसाब से। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। अब हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था रिकॉर्डिंग के लिए वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ कंट्रोल्स में देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो कंट्रोल्स वाली जो स्क्रीन है, इस कंट्रोल वाली स्क्रीन में आपको ये सब चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है स्टॉप रिकॉर्डिंग का, ये एक्चुअल में मेरी रिकॉर्डिंग जो है ऑलरेडी स्टार्टेड है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शो कर रहा है। आपके में यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग शो करेगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सिस्टम की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी विद योर वेब कैम ऑल्सो। तो इस तरीके से आप OBS स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने वेब कैमरे के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी जब हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे जाएंगी हमारी, बेसिकली रिकॉर्डिंग हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ फाइल पे क्लिक करना होगा और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे शो रिकॉर्डिंग्स के ऊपर, तो आपको यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग्स यहाँ शो हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को उठाएंगे, एडिट कर सकते हैं, जो भी आप यूज करना चाहें उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।